हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू एक साइंस एक्सपेरिमेंट को सीखेंगे, जो कि स्पेशली एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस चैप्टर से लिया गया है, जिसमें हम प्लांट्स को समझते हैं और उसको कैटेगराइज करते हैं। तो इस एक्टिविटी को आप घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको घर के आसपास में या फिर घर में ही जो आपके प्लांट्स लगे हुए हैं, वहाँ से लीव्स को कलेक्ट कीजिए, अर्थात पत्तों को इकट्ठा कीजिए, और उसके बाद वो किस किस प्लांट किस कैटेगरी में आता है, अर्थात क्या वो मेडिसिनल प्लांट है, मतलब औषधीय गुण रखता है, या फिर वो फ्लावरिंग प्लांट है, अर्थात जो फूल प्राप्त करते हैं हम जिससे, और उसके बाद वेजिटेबल्स प्लांट, सब्जियाँ प्राप्त होने वाली जो प्लांट्स होती है, आपको तीन कैटेगरी में डिवाइड करना है। उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट है, आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों तरह के बच्चे कर सकते हैं और छोटे क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं करना क्या है आपको। सबसे पहले आप जानिए हर्ब, शर, ट्री, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स के बारे में। तो हर्ब ऐसे प्लांट को बोला जाता है, इसका अर्थ होता है शाख। ऐसे प्लांट को बोला जाता है जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, 2 से 3 फिट की हाइट होती है, और जो उसके पत्ते होते हैं, बीज होते हैं, उनको मेडिसिन या फिर खाने में हम यूज़ करते हैं, और उनका एक ही तना होता है। और जो शर्ब होता है, जिसको हम झाड़ी बोलते हैं, उसका जो स्टेम होता है अर्थात तना होता है, वो बूडी मतलब लकड़ी का होता है, और उसमें यूजली क्या होता है, स्टेम जो होते हैं वो 1 से ज़्यादा होते हैं, और वो लगभग 3 मीटर या फिर उससे कम की हाइट की होती है। और उसके बाद पेड़, एक लंबा पेड़ होता है जो कि बहुत सालों तक जीवित रहता है, और उसका जो सेंटर पार्ट होता है तना, वो वुडन होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे अब क्लिम्बर्स की, जिसको हिंदी में लता या बेल बोलते हैं, जैसे कि आप आम तौर पे देखते होंगे। ऐसे प्लांट जिनके तने बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको ऊपर चढ़ने या ग्रोथ करने के लिए किसी ना किसी तरह से हेल्प चाहिए होती है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि जो कुकुम्बर, खीरा का पेड़ है, करेला का पेड़, जो क्लिम्बर्स है, ये सब दूसरे किसी और चीज़ के सपोर्ट से ग्रोथ करते हैं। और क्रीपर्स, अब हम बात करेंगे क्रीपर्स की। क्रीपर्स ऐसे लता या बेल को बोला जाता है जो कि ऊपर ग्रो नहीं करते हैं, मिट्टी में ही ग्रो करते हैं, मतलब वो बढ़ेंगे भी तो मिट्टी में ही, सॉइल के ऊपर ही ग्रोथ करते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं लीफ एक्टिविटी, जिसमें हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग सा चीज़ करेंगे। ये आपको शीट बनानी है इसकी, और एक कंप्लीट शीट बना के पूरा फिल करके अभी मैं आपको दिखाऊंगी आपको कैसे कैसे करना है, फिर आप इसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर में जो भी प्लांट है वहाँ से एक एक पत्ता, और अगर आपके घर के आसपास भी कोई प्लांट है तो वहाँ से आप पत्ता लेके आ सकते हैं, और उसके बाद उस जिस भी आप प्लांट के लीव को लेके आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि वो किस प्लांट का लीव है, उसका नाम क्या है, और उससे हमें क्या मिलता है। अगर वो वेजिटेबल्स का है तो जितने भी पत्ते आप लेके आए हैं, सारे वेजिटेबल्स के जो लीव है उनको अलग कर लीजिए, और उसके बाद जितने भी फ्लावर के लीव हैं, फूल के पौधे के पत्ते हैं, उनको अलग कर लीजिए। और उसके बाद अगर कोई मेडिसिनल प्लांट का लीव है जिसमें औषधीय गुण होता है, उनको अलग कर लीजिए। इस सेशन में आपने सीखा है कि शर्ब, हर्ब और ट्री, अर्थात शाख, झाड़ी, पेड़ किसको कहा जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम ग्लू की हेल्प से लीव को यहाँ पे लगा लेंगे। साइज के अकॉर्डिंग आप एक शीट में 2 या 3 लीव को लगा सकते हैं। उसके बाद आप हेडिंग ऊपर डालेंगे कि वो आपका कौन सा प्लांट है, अगर मेडिसिनल है, औषधीय गुण रखने वाला है, तो इस प्रकार से आप उसमें लिखेंगे मेडिसिनल प्लांट लीव्स, अर्थात औषधीय गुण रखने वाले पेड़ या फिर पौधे का पत्ता। तो सबसे पहले हमारा है गिलोय, आप देख सकते हैं गिलोय एक मेडिसिनल प्लांट है,
उसको इंग्लिश में भी गिलोय बोला जाता है और वो एक क्लिम्बर है अर्थात बेल। बेल का अर्थ होता है वो जो प्लांट होता है वो अपना खुद का जो तना होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, इसीलिए किसी दूसरे की मदद से ऊपर ग्रो करता है। नेक्स्ट है आपका तुलसी। तुलसी को हिंदी में भी तुलसी और इंग्लिश में भी तुलसी बोला जाता है और ये एक झाड़ी अथवा सर्व है। अब हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट लीव्स की, जिसमें सबसे पहले है हिबिस्कस, जिनको हिंदी में बोला जाता है गुड़हल। तो गुड़हल का जो प्लांट है ये उसका लीव है, पत्ता है, और गुड़हल का पेड़ होता है, पेड़ या फिर ट्री हम बोलते हैं। सेकंड नंबर पे है मैरीगोल्ड, गेंदा, जिसका आप देख सकते हैं लीव यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैरीगोल्ड का जो यहाँ पे लीव है इसके प्लांट को हम बोलेंगे शाख या फिर हर्ब। थर्ड भी आपका ये जो है ये एक फ्लावर प्लांट का लीव है रोज, जिसका हिंदी अर्थ है गुलाब, और ये जो प्लांट है इसको हर्ब बोलते हैं, पौधा या फिर शाख। फोर्थ है आपका जैस्मीन, जिसको हिंदी में मोगरा बोलते हैं, और इसको कहते हैं शर्व या फिर झाड़ी। फिफ्थ नंबर पे है ओलेंडर, जिसको हिंदी में कनेर बोला जाता है। ये पौधा दो कैटेगरी में पाया जाता है, इसकी झाड़ी भी होती है और इसके पेड़ भी होते हैं, तो इसको श्रब या फिर ट्री के रूप में पाया जाता है। अब देखिए ये वेजिटेबल्स प्लांट लीव्स हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे बिटर गार्ड, जिसको करेला बोलते हैं। ये एक बेल है, क्लिम्बर है, और इसका आप लीव देख सकते हैं। सेकंड है चिली मिर्च, जिसको हम हर्ब शाख या पौधा बोल सकते हैं। थर्ड है आपका रिगिट गार्ड, जिसको हिंदी में तोरई बोलते हैं, और ये भी एक क्लिम्बर है। तो ये जितने भी लीव्स आपने देखे हैं ये मेरे घर पे गार्डन पे से मिला है, और उम्मीद करती हूँ कि आपके घर में भी कुछ ऐसे ही प्लांट्स लगे होंगे। तो ये जो है अब आपके सामने जो लीव्स हैं इसका मैं नाम बता देती हूँ आपको। ये तो नॉर्मल ग्रास है, ये आप लेमन का है, नींबू का पेड़ का पत्ता, ये है करी पत्ता, ये आपका किचन से आता है तेज पत्ता, और उसके अलावा ये एक इंडोर प्लांट का लीव है, ये आपका सदाबहार फूल का लीव है, ये जेड प्लांट है जिसको हिंदी में धनलक्ष्मी पौधा भी बोलते हैं, और ये भी एक इंडोर प्लांट का लीव है। तो इस प्रकार से आपको अपने घर में या फिर आसपास कोई भी लीव मिलता है तो आप उस लीव का उस प्लांट का नेम पता करिए कि क्या है, और उस प्लांट को देख के आप उसको शीट में बनाइए कि क्या वो शाख है, झाड़ी है, पेड़ है, और उसके बाद वो शीट बना के आप इसको एक लीव एक्टिविटी के रूप में सीख सकते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि आपको इनमें से किस किस लीव का प्लांट का नेम पता है और वो किस कैटेगरी में आता है। अगर आपको पता है तो आप बताइए, और अगर किसी प्लांट का नेम आपको इंग्लिश में नहीं पता है, हिंदी में पता है, या फिर हिंदी में नहीं पता है इंग्लिश में पता है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये एक्टिविटी आपको बहुत पसंद आया होगा, आप भी घर में करिए, लॉकडाउन में घर में एक्सपेरिमेंट करिए। उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड, हैव ए गुड डे।